उल्लासनगर शहर में आज 16 नवंबर के दिन कोरोना के नए सात मामले सामने आए हैं इसी के साथ शहर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या दस हजार पहुंच चुकी है वहीं आज 21 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है इसी के साथ अब तक कोरोना मुक्त हुए लोगों की संख्या नौ पहुंच चुकी है वहीं कोरोना की वजह से अब तक उल्लासनगर के तीन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस समय शहर के तीन मरीज एक्टिव हैं जिनमें से कोविड केयर सेंटर में 22, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में चालीस डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में इक्कीस होम आइसोलेशन में एक व उल्लास व उल्लासनगर मनपा क्षेत्र के बाहर 126 लोगों का इलाज चल रहा है आज जिन सात मामलों की जानकारी हमें मिली है उनमें कैंप नंबर एक से एक मामला शामिल है जो बेवस चौक के पास महादेव सोसाइटी परिसर का बताया जा रहा है वहीं कैंप नंबर दो से एक मामले की जानकारी मिली है जो हीरा मैरिज हॉल के पास परिसर का बताया जा रहा है वहीं कैंप नंबर तीन से आज दो मामलों सामने आए हैं जिनमें के बी रोड शांति नगर के पास परिसर से एक ग्राम विद्या मंदिर के पास परिसर का एक मामला बताया जा रहा है वहीं कैंप नंबर चार से आज तीन मामलों की जानकारी मिली है जिसमें अंबेडकर चौक कांसई रोड परिसर से एक व वीनस सिनेमा के पास परिसर से दो मामले बताए जा रहे हैं दर्शन इसी तरह से रोज आपको अपडेट देता रहेगा ये अपडेट जानने के लिए जल्द से जल्द दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएँ नमस्कार